नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में नगर निकाय चुनाव के मतों की गिनती आज शुरू हो चुकी है। जी हां, आज सुबह से ही गिनती जो है शुरू है और एक एक कर हर जिले से परिणाम भी निकलकर सामने आने लगे हैं। वहीं गया जिले की बात करें तो गया में भी गया कॉलेज के परिसर में मतों की गिनती शुरू है और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना जो है वह भी चल रहे हैं। बता दें कि तमाम चीजों की जानकारी गया के DM देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि कैसे मतगणना जो है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और उस दौरान उन्होंने बताया कि गया कॉलेज के प्रांगण में इमामगंज, खिजरसराय, बोधगया, शेरघाटी, वजीरगंज एवं टिकारी प्रखंड की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कहीं किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है और अभी कई जगहों का परिणाम सामने भी आ गया है। और इस पर गया के जो DM है डॉक्टर त्यागराजन SM, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बता रहे हैं गया के मतगणना को लेकर, सुनिए। देखिए, मतगणन की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रहा है, पारदर्शिता के साथ सब लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, प्रत्याशी और उनके एजेंट, और ज़्यादातर जगह पर समाप्ति के चरण में है और कुछ देर में समाप्त भी हो जाएगा इमामगंज, टिकारी ये सब में, और बोधगया और शेरघाट में कुछ समय लगेगा, बट मोस्टली हमको लगता है कि शांतिपूर्वक तरीके से 3-4 बजे तक समाप्त होगा। तो आपने सुना कि डॉक्टर त्यागराजन SM जो है DM, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि गया में शांतिपूर्ण मतगणना जो है वह हो रही है और एक एक करके सभी जो परिणाम है वह भी निकलकर सामने आने लगे हैं। उन्होंने साफ तौर से यह भी बताया है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतों की जो गणना है वह हो रही है, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है। और साफ तौर पर उन्होंने यह भी बताया है कि अभी जिस तरीके से स्थिति है वैसे शाम को 3 से 4 बजे तक सारी डिटेल्स जो वह भी निकलकर सामने आ जाएगी, यानी कि 3-4 बजे तक पूरे मतगणना जो है वो खत्म हो जाएगी और परिणाम निकलकर सामने आ जाएंगे कि आखिर कहां से किनकी जीत हुई है और किनकी हार। बता दें कि गया कॉलेज के बाहर जहां पर ये मतगणना हो रही है वहां पर जो प्रत्याशी है उनके समर्थकों की भी काफी भीड़ लगी है और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब यह गिनती खत्म हो जाएगी और उन्हें नाम जो है वो मिलेंगे कि किनकी जीत हुई है, किनकी हार हुई है, और उस तरीके से वह इसका खुशी मना पाएंगे। और वही हम आपको बता दें कि गया कॉलेज के परिसर में और उनके बाहर पूरे सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। कई पुलिस पदाधिकारी जो है वो वहां पर तैनात हैं, जिससे यहां पर जो मतगणना हो रहे हैं, जो भी काउंटिंग हो रही है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से निभाया जा सके। हालांकि DM की तरफ से यह भी आदेश आ चुके हैं कि यहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है वो हो रखी है, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते लाइव सिटीज। धन्यवाद।